back to another vlog. Hope you all are doing good and staying safe. तो guys कैसे हो आप सब? तो guys आज मेरे घर आया मेरा गोला और मेरी बेटी. आज जल्दी हो, खड़ी हो जल्दी. तो guys आज मेरी sister in law आई है पहली बार मेरे घर फ्लैट पे रुकने, मतलब पहले ऑलरेडी आई हुई है बट रुकने पहली बार आई है. और ये गंदा सा बच्चा ये इतना शरारती है, इतना ज्यादा. इसको देख रहे हो आप, पूरी गाड़ी में मुझसे बात करती आ रही थी. मैं अपने आप बात कर रही थी, इसको था मैं इससे बात कर रही थी. हटाओ इसकी, चलो हाय करो जल्दी, हाय कर दो. मेरी आवाज इतनी ज्यादा पहचानती है, देना दीदी मेरी आवाज इतनी ज्यादा पहचानती है. ये इतनी ज्यादा मुझसे बहुत खुश रहती है, बहुत ज्यादा. मैं अपने घर गई हुई थी तो नितेश मुझे लेने गए थे, तो कोमल दीदी भी साथ में आई थी, गोला मुझे साथ में लेने गई थी मेरे घर में को. और मैं इतना सारा कुछ लेकर आई हूँ, शॉपिंग करके आई हूँ, पर गोला के लिए लाया कुछ. गोला को यहाँ से दिलाऊंगा ना भाई, क्या लेगा तू बता? बहुत खेल रही थी ना तू, तेरे बॉल खाऊंगी. अब खा बोल तू मेरे साथ बात कर, अब हंस तू भाई, हंस के अपना टैटवा खराब कर लिया इसने. ये बेचा पता है मुझे गाइस, इसकी ना एक चीज है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना इसको पता लग जाता है, इतनी तेज है ये, तो ये कोई कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, बस घुन्नी हो जाएगी पूरी. जैसे ही कैमरा बंद हो जाएगा इतनी गिरकाती है, इतनी ज्यादा कि बस पूछो मत. ये देखो मुझसे इतनी ज्यादा खुश रहती है, पता नहीं क्यों. इसको आवाज ही मेरी इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा आवाज अट्रैक्टिव वो लगती है इसको कि बस मेरी आवाज सुनते ही ऐसी हो जाती है. और मैं बहुत कुछ करके लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज, पर पहले मैं सांस ले लूँ. और अभी ना पता नहीं मुझे, और अभी बस मैंने अपना ना, पहले मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में, मैंने ग्लूकोन डी मंगाए थे बट वो छोटे पैकेट थे, बड़ा मिला नहीं था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने बड़ा ग्लूकोन डी मंगा लिया अपने लिए. और इसके साथ मुझे शेकर फ्री मिला है, ग्लूकोन डी लिखा हुआ है इसमें, अच्छा है ना, मैं इसमें शेक करके पीऊंगी. और गोला के डाइपर लिए थे कैमरे से, और मेरा एक पार्सल आया हुआ था तो मैंने वो लिया था, देखूंगी इसमें खोल के क्या है. और मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ, टी शर्ट की इतने सारे पैसे खराब करके आई हूँ, पूछो मत. छह टी शर्ट दो भाई को दिला के आई हूँ और चार अपने लिए लेके आई हूँ, दो रितेश की दो मेरी. और रियो को भी देख लेती हूँ ये कहाँ, और मेरे लिए तो पॉटी कर रहा है. चलो गाइस आपसे बाद में बात करूँगी. रितेश को कि मैं रितेश के लिए कौन सी टी शर्ट लाई हूँ, अपने लिए कौन सी लाई हूँ, ये आपके ऊपर वाली आपकी है. हाँ ये वाइन कलर आपका, ये वाला आ जाएगा ना आपको. अरे टी शर्ट ऐसे करके दिखाओ अपने फेस के आगे लगा के. ये नितेश के लिए लाई हूँ मैं, अरे वो वाली नहीं लाई ना, पागल हो गया. मेरी वाली दिखाओ आप. गाइस सेम लाई हूँ मैं नितेश की और अपनी, कलर सेम है आई मीन. और ये मेरी है, ये आगे से ऐसी है, पीछे से दिखाओ एक बार, और पीछे से ये ऐसी है, ठीक है, हमारा सेम कलर है. और ये वाली खोलो, इसका तो गाइस लास्ट में एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि मैं एक एलवी की टी शर्ट लाई थी तो वो नितेश को, जतिन को पसंद आ गई थी मेरे भाई को, तो नहीं ये मेरी है, तो ये फिर एलवी की लाई थी, ये पीछे से प्लेन है, ये आगे से ऐसी टॉम एंड जेरी वाली है. और ये वाली दिखाओ व्हाइट वाली, ये ले लाई हूँ ना आपके लिए, ये ली ना, बट ये काट रहा है मुझे, बट ये मैं आपके लिए व्हाइट कलर में लाई हूँ, दिखाओ ये देखो है ना अच्छी, आ जाएगी आपको, ट्राई करो अभी, पीछे से दिखाओ, पीछे से प्लेन है. हाँ दिखाओ आगे से, अब डिसाइड कर लेना सागर और के वहां कौन सी पहन के चलोगे, ठीक है. और मैं अपने लिए कर्टन लेके आई हूँ, अभी सिर्फ इस खिड़की के लिए ला लूँ, क्योंकि ना यहाँ से जब मॉर्निंग हो जाती है ना तो सारी धूप ना खिड़की में से बेड पे आती है, तो एसी थोड़ा कम काम करता है, तो फिर इस वजह से मैं यहाँ के लिए कर्टन लेके आई हूँ. बहुत प्यारा कलर है, ब्लू कलर. और ये कोमल दीदी, और वो इसमें रखे हैं, और एक बेडशीट भी है. बेडशीट देखना कैसी है, खोलना कोमल दीदी. ये देख लो, ये इतने दिनों से मतलब थी नहीं ना, मैं काटने को तो खेल रहा है मेरे साथ. बेडशीट देखो कैसी है, हाँ इतना ही देखना कैसी है, कॉटन की अच्छी है, बट ये मैंने खरीदी नहीं है, ये सन्नी ने दिया मुझे. सन्नी अपने लिए स्टॉक ला के रखता है ना, तो कह रहा चल मैं सूट वूट ना दे रहा तेरे से. और गई थी मेरे बड़े वाले भाई बुआ के बेटे ने दिया, मैं बुआ पास ही रहती ना उनके घर गई थी, तो वो प्यार करते हैं मुझसे सन्नी, तो मैं उसका नाम लेती हूँ, वैसे तो बड़े हैं बट मैं हम नाम ही लेते हैं. तो ये मुझे उसने दिया है, कह रहा सूट वूट के करेगी, लेके चल तू चद्दर ले जा. मैं कहा हाँ भाई तू चद्दर दे दे गर्मियों की. फिर मैं कह रहा मैं लाता रहूँ पढ़े लिए, मैं कहा कोई ना तू पढ़े ला रहा, मैं तेरे लिए ला के रख लूंगा. मैंने कहा ठीक है, फिर भाभी भी गई मैं मंगा के रख लूंगी. हाँ ये शेकर अच्छा है ना, ये इसको देखो अपने इसमें लगी पड़ी है. गोला
बैटन लग गया तेरा ना। और पर्दे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं अपना कपड़े चेंज कर लेती हूँ अपने, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी फिर। और एक टॉवल लेके आई हूँ, पापा वहां से वहां जा ना, पापा कैनॉट प्लेस, तो वहां से खादी पता ना कौन सा कपड़ा कह रहे थे खादी, उसका टॉवल लेकर आ रहे थे, तो मैं चल मैं ले आती हूँ। बहुत सॉफ्ट है, खोल के देखो कितना बड़ा है, तीन बंदे लपेट जाऊंगे इसमें एक ही बार में। देख रहे हो, देखना ये देखो कितना बड़ा है, फैब्रिक अच्छा है ना, कॉटन का है प्योर। पापा कह रहे अच्छा, पापा दो लाए थे, एक व्हाइट कलर और एक ब्लू कलर, तो मैं वाला ले आई जो भी सी ग्रीन कलर है इसका। तो चलो गाइस अब बाद में बात करूंगी, मैं रेस्ट कर लेती हूँ और मतलब कपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं। और मीनू नी मीनू ने पूछा ओए क्या खा रहा है, धागे गाइस इसने मेरे मैट के सारे धागे निकाल दिए, देखो ना चेक कर रही है फैब्रिक कैसा है, मामी फैब्रिक अच्छा लाई है नहीं लेके आई, देख देख नजर पड़ गई क्या देख रही है तू। गाइस कैमरे के आगे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती कुछ भी, क्या मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। गाड़ी में ऐसे बोलती आई थी ना, इतना हसल जी इतना हसल जी, जो टेलीविजन ना पार्ट पूर्ण का भगा देगी। खेल रही है ये, खेल रही है, सॉफ्ट है ना, पहले दिन तो सोच लिया खा जाऊ बस इसको, लेट गई लेट गई। मैं नींद में हो रही है और नींद में उठ उठ के मतलब दूध पी के आधा आधा और उठ रही है, मेरी आवाज सुन सुन के, मेरी आवाज सुन के उठ रहा है तू, इतना प्यार करता है मुझसे इतना ज्यादा। देख रहे हो इसकी आंखों में नींद है, पर इसको नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, गोला को नींद ही नहीं आ रही है, देख रहे हो इसका, गोला को नींद ही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है नींद गोला को, मेरी आवाज सुन के मैं चुप हो जाऊं नहीं बोलूं, हो 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 चुप हो जाऊं मैं नहीं बोलूं, आजा बेटा मेरा बच्चा है तू, आज गोला कितना प्याला बच्चा है तू, कितना प्याला बेटा है तू मेरा, कितना किसका बच्चा है तू, एक बार इनको बता दे गाइस को किसका किसका बच्चा है तू बता देना, एक बार बता दे किसका बेटा है तू, किसका मेला है ना बेटा है तू, किसका बेटा है तू। और गाइस इसको और इसको देख लो नीचे चद्दर बिछा रहे, नीचे अपना गद्दा बिछा रहे, टिंग लक लक टिंग टिंग लक लक, देखो देखो रोते रोते टिंग लक लक टिंग टिंग लक लक, रोते 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 खेलने लग जाएगी। गाना सुना देगा इसको, पुच्चे मेरे पुच्चे। गाइस बहुत मच्छर हो रहे हैं, तो नितेश ने भी ड्रैगन लगाया है। ओले का 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 किचने गाइस इसके देखो आईब्रो जुड़ी हुई है जतिन की तरह, स्टार्टिंग में मेरी भी ऐसी थी बट मैं बनवाने लग गई तो हट गई। जल्दी अभी उठी नहीं हूँ, वापस सो जाऊंगी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, बट कोमल दीदी को जाना है, कोमल दीदी को पेट में दर्द हो रहा था तो अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है और तो छोड़ कर आएंगे, तो इसी वजह से गोला ने मुझे सुबह सुबह उठ गई और मुझे भी परेशान किया इस, तो भाई नींद खुल गई गोला का। मेरे यूनिकॉर्न के साथ खेल गोला 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 गोला। मॉर्निंग कर दो गाइस को, बोलो हाय गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग। यूनिकॉर्न के साथ खेल रही है सुबह सुबह, इसको मैं दिख लूंगी ना तो मैंने मतलब पीट कर रखी होगी इसकी तरफ, तो मुझे बुला रही थी, मुझे बुला रही थी, मुझे बुला रहा था मेरा गोला, मुझे बुला रहा था ये बच्चा ही है, वो प्यारा बच्चा है मेरा। तो गाइस अभी चलो बाद में बात करेंगे आपसे, बस
जोर लगा लिया ना, देख देख कोमल दीदी जा चुकी है, नितेश गए हैं छोड़ने क्योंकि उनको लैब में जाना है अल्ट्रासाउंड कराने, और आज वो वैसे भी घर चली जाएंगी। ये नीचे उतरने के लिए तो परेशान करता है नूरी दीदी के साथ खेलना, ये सोचता है कि नूरी दीदी मेरे साथ खेलने आई है। तो नूरी दीदी करके सफाई, अच्छे से सफाई करा लेती, दो तीन दिन से थी नहीं तो घर बंद था, तो इसी वजह से अच्छे से सफाई करा लेती हूँ नूरी दीदी से, और फिर मैं देखूँगी, मशीन लगाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, और उसके बाद देखेंगे। अभी फ़िलहाल अभी तो ब्रेकफास्ट की कोई वो नहीं है इच्छा, क्योंकि मन तो है दोबारा सोने का, बट एक मन कर रहा उठ गई तो उठ ही जाती हूँ, काम कर लेती हूँ। और गोला के लिए भी वीडियो कॉल आई थी, नितेश कहते क्या कर दिया तूने इसको, गाड़ी में बैठ के सुन हो गई है। फिर मैंने कहा नहीं ऐसी हो गई होगी, कमल दीदी कही कल तो खेल रही थी, तो मैंने कहा कल मैं भी तो थी गाड़ी में। अभी वो गई है ना तो एकदम से यहाँ से तो वो सुन हो गई होगी, मतलब याद कर रही होगी, फिर वो चली गई। फिर वहाँ जब मिल जाएंगे दीपू मम्मी वगैरह फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो चलो गाइस थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। तो गाइस मैं दोबारा सो गई थी और अब उठी हूँ, अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल। परांठे खाने का मन नहीं है क्योंकि परांठे खाने का टाइम वैसे भी चला चुका है, मतलब जा चुका है। अब मैं चावल बना रही हूँ भाई, मैं कोहिनूर के चावल का पैकेट लेके आई थी, इस बार ये यूज़ करके देखी हूँ। वैसे खुले यूज़ करती थी मैं भी 60 या 70 वाले, बट इस बार ये पैकेट था, काफ़ी अच्छे चावल है ये भी। और मैंने अपने चावल भिगो दिए हैं जितने मुझे यूज़ करने हैं, और देखो चावल काफ़ी अच्छे हैं, लंबे चावल हैं ये वाले भी। तो मैं भी ये बना रही हूँ, भिगो के रख दिया मैंने 2-5-10 मिनट, कि मुझे ज़्यादा वो घुट जाते हैं वो वाले चावल, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, थोड़े खिले खिले अच्छे लगते हैं। तेल चढ़ा दिया मैंने, बाकी चावल बनाएंगे खा के फिर आपसे बात करूँगी। रियो को सैरलैक्स खिलाया, और ये सैरलैक्स खाने के बाद इसको एनर्जी आ जाती है। चलो गाइस बाद में बात करूँगी, चलो इस ब्लॉग का करते हैं नहीं भी। होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने नहीं खाया है, इन्होंने खा लिए हैं चावल, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।